बहुत सारे हमारे जो साफी हजरात हैं वो इसको लड़ाई की तरफ लेके जा रहे थे। अब उसमें बैरूनी हाथ भी हो सकता है, उसमें वो तमाम ताकतें भी हो सकती हैं जो पाकिस्तान में अमन के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान में सलामती के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान में नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन हो, चैन हो, सुकून हो। ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स की आज की नशिस्त में हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रिसेंट जजमेंट आई उसके बारे में, जिसके ज़रिए परवेज़ लाई साहब जो थे वो वज़ीर आला बने, और इस जजमेंट के बाद जो रिएक्शन आया, जो जजमेंट के हक में भी रिस्पॉन्ड आया और जजमेंट को सराहा गया, लेकिन बहुत सारा दूसरी तरफ से जो व्यू था, किसी ने जुडिशियल कू कहा, किसी ने दबाने की कोशिश की, किसी ने कहा कि अब जो पावर्स हैं जुडिशरी की इसको कर्टेल करने की ज़रूरत है, सो ऑन एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें उन हलकों की तरफ से आई जिन हलकों ने बहुत ज़्यादा पहले जुडिशरी को दबाव में लाने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और वो तमाम हलके जो चाहते हैं कि अपनी पसंद के फैसले हो, और एक पसंद के फैसले अगर ना हो तो वो उसका बायकॉट कर देते हैं। फिर हमें ये भी मिले जो यूट्यूबर हैं बहुत सारे, वहाँ पर भी हमें दो तरह के मिलते हैं व्यूज़। एक व्यू है जो अप्रिशिएट करने वाला, और दूसरा जो है वो जो इंतशार फैलाने वाला है व्यू, वो भी हमें देखने को मिला। तो अलगर्ज इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, इस जजमेंट को जिस तरह के हालात हो गए थे मुल्क के और जिस तरह के पंजाब के हालात हो गए थे, ये जितना भी अप्रिशिएट किया जाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विजडम को, कि उन्होंने जिस तरह इस मुल्क में अफरा तफरी होने से बचाया, इस मुल्क को, इस मुल्क में जो सियासी इंतशार होने जा रहा था उससे बचाया, जो सियासी लड़ाई जो गली कुचों में लड़ी जाने वाली थी उससे बचाया, और वो जो हमें दिखाई दे रही थी कि ये किस तरफ जा रहा है, और बहुत सारे हमारे जो साफी हजरात हैं वो इसको उस तरफ लड़ाई की तरफ लेके जा रहे थे। अब उसमें बैरूनी हाथ भी हो सकता है, उसमें वो तमाम ताकतें भी हो सकती हैं जो पाकिस्तान में अमन के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान में सलामती के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान में नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन हो, चैन हो, सुकून हो, और मौशी सूरत हाल और ख़राब हो, डॉलर और जो है वो ऊपर जाए, उस तरह की फोर्सेस भी, क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर वो तमाम फोर्सेस जो एंटी स्टेट फोर्सेस होती हैं वो कूद पड़ती हैं, और यही हुआ उस दिन जो देखने में मिला हमें नेशनल मीडिया के ऊपर भी, उन मखसूस चैनल्स के ऊपर और उन यूट्यूबर्स की तरफ से भी। अगर ये उस वक्त बर वक्त जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी विजडम से ये जजमेंट ना देती और इस तरह की जजमेंट एक पीसफुल ट्रांजिशन ना होता, बर वक्त टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी, उसी टाइम के अंदर रहते हुए इसको एक पीसफुल ट्रांजिशन हो ताकि बदमनी ना हो, और ओथ का भी जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल निकाला कि वो अगर आंसर फील करें, गवर्नर ऑफ पंजाब अगर गैर यकीनी की सूरत हाल वो मुनासिब अगर समझे कि ओथ नहीं लेना तो वो ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो ये ले। तो ये किस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जब उनके केस में जब गवर्नर पंजाब ने ओथ लेने से इनकार किया था तो फिर उस सूरत हाल के अंदर जो था वो दो तीन हफ्ते जिस तरह तमाशा लगा रहा, इन तमाम तमाशों को जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म किए। लीगल फ्रेटर्निटी से भी मैं समझता हूँ कि जो संजीदा हलके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हैं। चंद एक अगर जो अहदेदार हैं वो किसी के
ذاتی فائدے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو یہ مس یوز ہے، وہ جو بار ہے اس کا مس یوز ہے. بارز امپارشل ہیں، وہ اپنے ادارے جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے ساتھ کھڑی، اکثریتی جو ہیں وہ لوگ اور اکثریتی جو بار ممبر ہیں. اور اس سارے موقع کے اوپر جتنی بھی داد دی جائے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر جس طرح کی باتیں کی گئیں، جس طرح کے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، بلکہ مجھے وہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت یاد آتی ہے، وہ جب ان کے اوپر ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی اور پھر اسی کی تیمارداری کے لیے وہ تشریف لے گئی، یہ وہ بڑا بند تھا، یہ وہ سنت تھی آقا علیہ السلام کی جس پر عمل کرتے ہوئے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کمال فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. اور کسی بھی کمنٹ کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی طرح کی کسی بھی جو نیگیٹو بات تھی اس کو بڑے ہی تحمل کے ساتھ، بڑے ہی بردباری کے ساتھ جو تھا وہ، اور بڑے ہی صبر کے ساتھ اور بڑے ہی پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس کا مظاہرہ کر کے اپنا قد جو ہے وہ بہت اونچا کیا اس سارے عمل میں. یقیناً وی آر پراؤڈ آف آور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان. امید کی جانی چاہیے کہ ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوں، اور تاکہ پاکستان میں جو نظام انصاف کی گاڑی ہے وہ اسی طرح آگے چلے، اور ہم پھر دیکھیں کہ جس طرح یہ بر وقت انصاف ہوا ہے پھر آگے چل کے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں بھی اسی طرح انصاف ملے. ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.